हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग. स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में. दोस्तों, अभी हो रहा है 11:30 और आज मैं पटना पहुंची हूँ. मैं छुट्टी पे थी 1 से 1.5 महीने. मेरा जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ, फिर मैंने सोचा कि चलो एक लंबी सी छुट्टी लेके आते हैं. इन छुट्टियों में मैं सबसे पहले मथुरा गई, वहाँ पे घूमी. मथुरा, वृंदावन, गोकुल और आगरा, ये सब मैंने कवर किया. फिर वहाँ से मैं मुंबई गई, मुंबई भी घूमी. मुंबई में ज़्यादा दिन नहीं रही, 6-7 दिन मुंबई रही थी. तो उसमें मैंने रीजेंसी इस बार भी नहीं घुमा पाई क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहा. हाँ, इसके लिए मैं उल्लासनगर गई थी, तो उसका वीडियो मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है, वो भी अपलोड करूँगी. और उसके बाद मैं गई थी दहिसर, तो दहिसर वाला भी ब्लॉग मेरे पास है, मैंने उसको भी अपलोड नहीं किया है, वो भी जाएगा. उसके बाद मैं टिटवाला रिटर्न होके आई. फिर मैं गई रांची. रांची एक फंक्शन था, इसके लिए गई थी. रांची मेरी ननद रहती हैं, तो उनको बेबी हुआ था, लड़का हुआ. फिर उसका पार्टी था, उसमें मैं उधर से मुंबई से आई और इधर से आंसू गए और माँ पापा जी गाँव से गए थे, तो हम सारे लोग वहीं पर इकट्ठा हुए और पार्टी में भी शामिल हुए. तो ये जो पार्टी वाला ब्लॉग है, ये भी मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था. मेरा जो ये आने जाने का सफ़र रहा ना, बहुत मुश्किल वाला रहा. ऐसे तो मैं घूमने के चक्कर में चली गई, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं हो पाया, इसलिए मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अभी तक अपलोड नहीं किए हैं. मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारे वीडियोज़ आपको मिल जाए एक एक करके. मतलब मेरे वीडियोज़ मिक्स जाएंगे, कुछ वीडियोज़ मुंबई के जाएंगे, कुछ रांची के जाएंगे, कुछ वृंदावन के जाएंगे, इसीलिए आप कंफ्यूज नहीं हो ना, आप इंजॉय करना. दोस्तों, एक और मैसेज है मेरा आप लोगों के लिए. बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि दी आप लहंगा दिखाइए, ज्वेलरी दिखाइए, सूट दिखाइए, क्योंकि हमारे यहाँ शादी है तो हमको चाहिए, हमको ख़रीदना है. आप होलसेल का मतलब वो प्राइस बताइए, होलसेल का दुकान दिखाइए. डियर, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, पटने का भी ब्लॉग डालूंगी, लेकिन 2-3 दिन बाद, क्योंकि मैं अभी जस्ट आई हूँ. आपको पता है ना कि घर से बाहर जाओ तो घर की क्या हालत हो जाती है. तो आप लोगों को किस चीज़ पे वीडियोस चाहिए, आप मुझे कॉमेंट कर दीजिए. मैं सारे लोगों का कॉमेंट देखती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं देखती हूँ, मैं सबका देखती हूँ, सबका रिप्लाई भी करती हूँ. तो मैं सारे लोगों का कॉमेंट चुन चुन के सब पे ब्लॉग बनाऊँगी. बस यही है कि थोड़ा टाइम लगेगा, आई होप आप समझ रहे होंगे. दोस्तों, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, वो आज नहीं बताऊंगी मैं उस चीज़ को 2-3 दिन बाद बताऊंगी आपको. तो आप वेट करना, बहुत ही अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए ही है. और आज एक बर्थडे पार्टी में जाना है. आंसू के दोस्त हैं राहुल पांडे, उनकी बेटी का आज जन्मदिन है, तो हम और आंसू जाएंगे और भी सारे फ्रेंड्स लोग आएंगे. मैं वहाँ का भी ब्लॉग करूँगी, लेकिन आज का जो वीडियो है ये आज नहीं हो पाएगा और कल भी नहीं हो पाएगा, परसों जाएगा. सॉरी दोस्तों. क्योंकि आज तो रात में जाएंगे और आकर मैं एडिट नहीं कर पाऊँगी, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है. और कल मे बी मैं करूँ, कल के लिए भी मैंने बहुत सारे काम रखे हैं, कपड़े वगैरह धुलने हैं, कपड़े आयरन करना है, प्लस मुझे मार्केट जाना है, मतलब मार्केट से कुछ काम है, तो कल का पॉसिबल नहीं है, परसों पक्का जाएगा वीडियो. हे, मैं रेडी हो गई हूँ बर्थडे पार्टी में जाने के लिए और मैंने पहना है बैगनी में साड़ी. ये देखो, ये जो साड़ी है ना, ये सिल्क की साड़ी है और बहुत ही हल्की है. मतलब इसको पहनने के बाद से मुझे फील नहीं हो रहा है कि मैंने साड़ी पहना है, ऐसा लग रहा है कि मैंने नॉर्मल ड्रेस पहना है. ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है वैसे, क्योंकि जो हल्के साड़ी होते हैं ना, वो ज़्यादा दिक्कत नहीं करते हैं, वरना मैं साड़ी के नाम से बहुत ज़्यादा घबराती हूँ. आज मैं एकदम साधारण सी रेडी हुई हूँ, थोड़ा बहुत मेकअप किया है. ठीक है, अब मुझे धीरे धीरे ना मेकअप में मज़ा आ रहा है. और मैचिंग के इयररिंग्स डाले हैं सेम कलर ना, ये आपको कैमरा में सेम लग रहा है लेकिन सेम है नहीं, ये है पिंक में, हल्का पिंक, और ये साड़ी है बैंगनी में, लेकिन फिर भी चल जा रहा है तो मैंने डाल लिया. और एकदम सिंपल सा बिंदी लगाई हूँ क्योंकि मुझे वर्क वाले बिंदीज बिल्कुल भी पसंद नहीं और मुझे आई मेकअप भी पसंद नहीं. कोई करके दे ना, ये जो ब्लैक वाला आई मेकअप होता है वो अच्छा लगता है, लेकिन मैं खुद से नहीं करती. मैं डरती हूँ कि कहीं ख़राब हो गया तो मैं थोड़ी भूतनी लगूँगी.
और मैं हमेशा की तरह एक सिंपल सा मंगलसूत्र डाल लिया है गले में। दोस्तों आज मैंने चप्पल अपना चेंज कर लिया, पिछली बार की तरह घर वाला चप्पल नहीं पहनी हूँ। ये देखो चप्पल अच्छा है, सिंपल है और मुझे चप्पल भी बहुत पसंद है। मैं सारे पार्टीज़ में यही चप्पल पहनती हूँ, जबकि मेरे पास बहुत सारे मतलब सैंडल वगैरह है, लेकिन इसमें मैं कंफर्टेबल हूँ तो दूसरा क्यों पहनूँ। और आज मैंने चूड़ी की जगह पर ये गोल्ड का डाला है, इसको क्या बोलते हैं, सोने की कड़े, जो भी बोल लो आप। मैं वैसे गोल्ड का बहुत कम पहनती हूँ क्योंकि मुझे गोल्ड पसंद नहीं है इसके लिए, लेकिन आज तो मजबूरी थी क्योंकि मेरे पास मैचिंग का कोई है ही नहीं बैंगल्स, इसलिए मैंने सोचा कि ये वाला डाल लेते हैं। वैसे मेरे पास गोल्ड के दो तीन और हैं, लेकिन दोस्तों मैं तो रेडी हो गई हूँ। आंसू रेडी हो रहे हैं, उनको सिर्फ 2 मिनट लगेगा, वो भी रेडी हो जाएंगे, फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए मिलते हैं पार्टी में, और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं आज कैसी लग रही हूँ। हाँ, आज मैंने पल्लू खोल रखा है ताकि जो साड़ी पे वर्क है ना वो दिख सके। ये देखो ज़्यादा नहीं है, सिंपल ही वर्क है, लेकिन ठीक है, अच्छी लग रही हूँ मैं। ये दोस्तों केक कटिंग हो गया है और आंगन में सारी औरतें बैठी हैं, बाहर लड़के लोग हैं। अभी थोड़ी देर में ही खाना पीना चालू होगा, तब तक मैं अंदर आ गई हूँ। ये है अनु का रूम। यहाँ पे बात चल रहा है किसको मीठा पसंद है और किसको नमकीन पसंद है। क्या पसंद है, मीठा या नमकीन? अच्छा, और भाभी को? अच्छा, और बाबा केक बांट रहे हैं।